मुझे देख के हैरान हो गई तुम। तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं उस औरत को देखना चाहती थी जिसके मेरे शौहर से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? और कैसे बात करूँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे आने से पहले मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बात सुनो मेरी, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुम क्यों हम दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? कैसी औरत हो तुम? तुम कहती हो कि तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं है, गौर करो अपनी बात पर। हम दोनों कहा तुमने? ऐसन तुम्हें नीलो कहता है या नीलगन कहता है, ये बात मान लो तुम। समझ गई मैं, और कुछ कहना है या बस हो गया? एक और बात, ऐसन से मेरी शादी को 10 साल हो गए। हाई स्कूल का प्यार था, मैंने जबरदस्ती शादी नहीं की थी, मैं छोटी थी और मैंने उससे प्यार किया। ऐसन बहुत खुदगर्ज इंसान है, मुझे अपने हिसाब से बदला और मेरे जज्बातों के साथ खेला उसने, और दिल भर जाने पर उसने मुझे बाहर उठाकर फेंक दिया क्योंकि उसका पुराना खिलौना उसे मिल गया। तुम्हारे साथ भी यही करेगा, इसलिए ये बात अपने इस रोमांटिक दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। एक दोस्त का मशवरा समझो, आगे तुम्हारी मर्जी। इस एक्सीडेंट के अंदर सलीम भी मुलव्वस था? क्या बक रहा है बेतू? तमीज से बात करो। मैंने बहुत प्यार से पूछा है, क्या सलीम का हाथ इस एक्सीडेंट में शामिल था या नहीं, बताओ मुझे। बेटा एक झापड़ मार के ना तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा, ज्यादा बकवास नहीं कर मेरे सामने, निकल। अबे क्या उर्दू जबान समझ में नहीं आती है तुझे? हाँ मुझे बता, कौन सी जबान में समझेगा तू, तुर्की या फारसी? अगर सलीम का हाथ इस सब में नहीं भी है तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम मुझे मारने के लिए चले थे? चुप्पे, मुझे लगता है तेरा दिमाग सटक गया है, चल अब निकल यहां से, तेरी तरह फारिग नहीं हूं मैं। ये यहां क्या कर रही है यार? असना मैडम। बुराक, तुम इस खौफनाक जगह पर क्या कर रहे हो? मेरा छोड़िए, आप बताएं आप यहां क्या कर रही हैं? सारा तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है सही? जी मेरे कॉलेज की है। तुम जानते हो वो यहाँ रहती है? जानता हूँ। तो फिर तुम उसकी माँ को भी जानते होगे? जी उनको भी जानता हूँ, नीलगन आंटी। हाँ नीलगन आंटी। हाँ हाँ वही। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी टैक्सी तलाश करने में मदद करो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कैसा? ठीक है चलिए चलते हैं। ऐसन बहुत खुदगर्ज इंसान है, मुझे अपने हिसाब से बदला और मेरे जज्बातों के साथ खेला उसने, और दिल भर जाने पर उसने मुझे बाहर उठाकर फेंक दिया क्योंकि उसका पुराना खिलौना उसे मिल गया। तुम्हारे साथ भी यही करेगा, इसलिए ये बात अपने इस रोमांटिक दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। नीलगन मैडम। जी हाँ। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। Have a good day. ऐसन ने भेजे होंगे। तो तुमने कर ही लिया? हाँ हाँ,
उम्मीद करती हूँ मेरे अल्फाज नहीं भूली होगी। कौन से अल्फाज? वही जो सलीम के बारे में कहा था मैंने तुम्हें। मैं नहीं भूली, इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। और वो क्यों? शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे प्यार करने से डरना नहीं चाहिए। वाह, तो सारा मेरी फरमाबरदार हो गई है। इसका मतलब मैंने समझाया कि कैसे सलीम को काबू करना है। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब मेरी वजह से तुम सलीम के करीब हो। हाँ बिल्कुल। बहुत खुशी हुई मुझे। हेलो, काम कैसा चल रहा है? हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैंने इसको अच्छी तरह समझा दिया था कि सलीम को क्या चाहिए होता है ना सारा? सारा बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ वो तो मैं देख ही चुकी हूँ, बहुत अच्छे से जान चुकी है ये। कैसी हो? वेलकम मिस्टर सलीम। शुक्रिया। तुम मेरे लिए यहाँ तक आई हो, इसका मतलब तुमने मुजरिम ढूंढ लिया। वो मुझे मालूम है असना मैडम, वो सब बिरजिक ने ही किया है, लेकिन वो अपनी गलती मान नहीं रही। मेरी बात सुनो, मुझे अपने कॉलेज की उन बेवकूफ़ लड़कियों की तरह नहीं समझना, गलती तुम्हारी है इसमें। असना मैडम, क्या आपको लगता है मैं कभी ऐसा करूँगी, बताएं? लेकिन तुमने किया है। मैडम मैंने नहीं किया। ब्रिजिक मेरे कलेक्शन के साथ क्या करेगी? उसके पास वैसे ही बहुत मसले हैं। या फिर या तो तुम मुजरिम को बचा रही हो या फिर यह तुमने किया है जैनब, और ब्रिजिक पर सारी गलती का इल्ज़ाम डाल रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। शायद नाजली ने किया। बिरजिक ने नाजली को काम से निकलवाया था, तो शायद वो उसका बदला लेने की कोशिश कर रही होगी। और तुम ये सब छुपाने के लिए उसकी मदद कर रही हो? नहीं मैम, वो मुझे आज ही पता चला। मुजरिम मिला मैडम? तुमने किया है। क्या? आप वही कहेंगी जो मैं आपको कहूंगी, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगी कि मैंने उसे कैंचे ले जाते हुए देखा, ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये रखिए आप, मेरे ख्याल में इतने काफी होंगे, अब काम होने के बाद बात करते हैं, जाइए आप। ठीक है। अगर वो बिरजिक का नहीं मानेंगी तो नाजली की ही बात करनी पड़ेगी मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे आपकी कलेक्शन से क्या फायदा? सुना तुमने? वो मैंने आज सुबह एक सफाई करने वाली से पूछा, उसने नाजली को रूम में जाते हुए देखा और उसके हाथ में कैंची भी थी। मैडम कसम से ये झूठ बोल रही है, मैं आपकी कलेक्शन से क्या करूंगी और मुझे वो काट के क्या फायदा मिलेगा, आप ही बताएं, ये झूठ बोल रही है। दरअसल वो सही कह रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? इस बेचारी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? मैम मैंने जो सुना है वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ तो ठीक है, उसको इधर लेके आओ जल्दी, समझ नहीं आ रही। ठीक है, चुप रहो तुम। तुमने किया है ना जैनब? ब्रिजिक से इतनी नफरत करती हो? मैंने भी माजी में ऐसे बेवकूफी के इंतकाम का खेल खेला था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुमने मुझे माली नुकसान पहुंचाया है और मैं उसका पैसा वापस चाहती हूँ। पर मैम मैं कैसे? तुम बेहतर जानती हो,
तुम किसी से पैसे मांगो या जैसे भी जो भी चाहो कर सकती हो, लेकिन वो पैसे मुझे अदा कर दो। क्या है ड्यूटी कहीं की? तमीज से बात करो, क्या हो गया तुम्हें? मेरे पे इल्जाम क्यों डाल रही थी तुम? तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था नाजली। मैंने तुम पे इल्जाम नहीं डाला था। तुम्हारी उस हरकत की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो तुम्हारी खुद की बेवकूफी थी। बंद करो अपनी बकवास। अल्लाह अल्लाह, इसको भी अभी अटकना था। इसको जल्दी ठीक करो, मुझे लगता है कार्ड का मैग्नेट टूट गया है। तुम मेरे लिए दरवाजा खुलवाओ। मिस असना, हमें आज ही ऑर्डर मिला है। कैसा ऑर्डर? क्या आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो? इतनी बड़ी बातें मत करो वरना तुम पछताओगी। आपकी सब्सक्रिप्शन अब वैलिड नहीं है। मेरी सब्सक्रिप्शन को किसने खत्म किया? मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम कौन होती हो जो सिक्योरिटी को बुला रही हो? अपने मैनेजर को बुलवाओ। बॉस मुझे पहले ही कह चुकी हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए ये मैटर मैं देखूंगी। तुम सब पे लानत हो। देख लेना, मैं इस जिम की इज्जत बढ़वा रही थी। हाँ सारा, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि तुम्हारी माँ एसन साहब की गर्लफ्रेंड है? चाहो तो बता दो, कहीं वो धोखे में ना रहे। असना यहाँ से जाते हुए तुमसे मिली और उससे कहा कि मैं उसके शौहर से छुप छुप कर मिलती हूँ। जी आंटी, असना एक बहुत चलाक औरत है। मुझे उसके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं सलीम ने, और जैसे ही उसने आपके बारे में बात करी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस औरत का कुछ ठीक नहीं है। तुम अगर मुझे नहीं बताते तो कैसे पता चलता ये सब? निलगन आंटी, वो क्या वो सच कह रही थी? क्या हसन साहब से आपका कोई रिश्ता रहा है? बताएं मुझे। बिल्कुल नहीं, बस हम दोनों पुराने दोस्त हैं और कुछ नहीं। वो इस दोस्ती को पता नहीं क्या क्या रंग दे रही है। जी मुझे लगा ही था, आप दोनों तो बहुत ही अलग मिजाज के लोग हैं। तुम ऐसा समझते हो? आंटी मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? तुम ठीक कहते हो, हम दोनों की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है, ये मैं जानती। जी यही मैं कहना चाहता था, लेकिन आपको अभी भी उस असना से बच के रहना होगा। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उसका कहने का क्या मतलब था सारा? मुझे आज ही ऑर्डर मिला है कि इनकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो चुकी है, मैं इनको कैसे जाने देती, और ये गुस्सा हो गई। ठीक है सारा, वो सब कुछ मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन जाते हुए उसने जो आखिर में कहा था वो बताओ मुझे। ये शायद है ही गुस्से की तेज। मेरा मतलब है, मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी का क्या ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल है, वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, मुझे अभी पता चला। इसका मतलब है तुम्हें पता था और तुमने बताया नहीं? ऐसा नहीं है, हमारे बीच इतने इश्यूज थे कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। बस मैं कल तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर ने तुम्हें कॉल किया और तुम चले गए। प्लीज गुस्सा मत होना अब। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन कम अज कम मुझे पता होना चाहिए।
तुम तैयार हो ये सुनने के लिए? हाँ बोलो। मेरी अम्मी और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से प्यार करते थे जब वो कॉलेज में थे। सारा मजाक मत करो। क्या ये बात सच है? मुझे भी सुन के बहुत हैरत हुई थी। सारे घर का माहौल खराब कर दिया उसने। हाँ बेटा हाँ, यानी उस औरत की नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैल गई थी। आ, खुदा का शुक्र है। दादी जान कितनी सफाई से उसने हमारे मुंह पे झूठ बोला। हाँ वो औरत तो समझ से बाहर है, झूठ बोलना तो उसका एक पेशा है। क्या तुम और मैं ऐसा कर सकते हैं? उस औरत के दिमाग में हर वक्त खुराफात चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। इतने सालों में उसने कितने झूठ बोले होंगे जिसका हमें पता तक नहीं। दादी जान क्या पता बेटा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस बाबा को फोन कर रही थी। बात हो गई थी मेरी उनसे, वो ठीक है और जल्दी घर आ रहे हैं। ओनर के बारे में सोच रही थी, वो अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। देखो बेटा, बच्चे की वजह से तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जाहिर सी बात है, और ये ओनर को भी बेचैन करता है, क्या मैं नहीं जानती? आप सही कह रही हैं। देखो अगर बच्चा नहीं भी होता तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम लोग एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते हो? ये एक बहुत नेक काम है बेटा। ठीक है उस बच्चे को आप अपने पेट में नहीं पालते, लेकिन आप उसे अपने दिल में पालते हैं। यानी सोचो, एक छोटा सा यतीम बच्चा जिसे तुम एक घर एक फैमिली दोगी, ये एक सवाब भी है मेरी नजर में तो। अरे नहीं दादी जान, ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं कौन होगा, किस खानदान से होगा, मैं ऐसे कैसे उसको घर लेके आ जाऊं अपने। नहीं नहीं दादी जान, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तुम कर सकती। ये मुश्किल है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। नहीं होगा बेटा कुछ भी मुश्किल। अरे ओनर तुम कब आए? बेटा मैं अभी यही सोच रही थी कि ओनर कहाँ रह गया। एक काम से गया था, उसी में मसरूफ था। कहाँ गए थे अचानक, ऐसा कौन सा काम आ गया? इंतजामिया के काम से गया हुआ था। मुझे फिर जलील कर दिया इसने, फिर जलील कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने झूठ बोल के मेरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। बस भी कर जा बाउली, असना की बातों को दिल पर लेना बेकार है। तू बस अपने काम से काम रख और क्या। यार बाबर हमने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा अभी तक हमें मिल रही है? क्या लिखा है हमारे माथे पर बताओ मुझे। हाँ बात सुन, लोगों की आदत हो गई है हम जैसे गरीबों को हमेशा नीचा दिखाने, अब ऐसी बातों को दिल पे क्या लेना। नहीं मैं सबको सीधा कर दूंगी, देख लेना बाबर कोई बचेगा नहीं, मैं वादा करती हूँ। देख 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 क्या बोल रही है, इसका मतलब है मेरा बंदा तुझे चुड़ैल बिल्कुल सही बुलाता है। अब तो मुझे भी तुझसे डर लगने लगी है यार। मैं वहाँ ज़ैनब को मारना चाहती थी लेकिन बस मार नहीं पाई उसे। अबे बस भी कर जा यार, बोले ही जा रही है तू तो। असना ने अपने हिसाब से सब कुछ संभाल तो लिया है, तो फिर तू क्यों इतना शोर कर रही है? सेव की बाजी, खाना बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कल मछली बना दिएगा सब्जियों के सलाद के साथ, क्योंकि अगर रोज मैं ऐसा खाती रही तो मोटी हो जाऊंगी। वैसे आज अपने कुछ जेवर बेचने के बाद मैं काफी सुकून में हूँ। मुबारक हो बेटा, लेकिन ये सुनकर तुम्हारा शौहर कहीं हमें तंग तो नहीं करेगा? उसे कुछ मालूम नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि उसे कोई परवाह भी है। और बाकी जेवरों के बारे में क्या सोचा? वो सब तो इतनी आसानी से बिकने वाले नहीं है बाबा जान, हमें इंतजार करना होगा। हालांकि आज जो जेवर बेचे उसके अच्छे पैसे मिल गए, खुदा का शुक्र है। अच्छा, मेरे ख्याल से इन पैसों से तुम अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लो, बहुत अच्छा होगा। सेव की बाजी, मेरी पसंद का घर इतने से पैसों में कैसे आएगा?
कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर बेटा तुम भी अपनी हैसियत के हिसाब से घर खरीद लो। क्या आप मुझसे इतनी जल्दी परेशान हो गए? कैसी बातें कर रही हो? बस उनके कहने का मतलब है कि इस तरह तुम्हारा पैसा जाया नहीं होगा, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। मैं जल्दी में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती, सोच समझ कर आगे बढ़ूंगी। वैसे भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, जो है उसी में करना है। ठीक है, तुम्हारे काम का क्या हुआ? क्या वो भी गया हाथ से? कोई काम नहीं रहा बाबा, एहसन का माल उसी के पास रहेगा। उसने आपकी बेटी का बहुत नुकसान कर दिया है बाबा जान। वैसे असना साहिबा ने जिम में आज एक अजीब सी बात कही और बात करते हुए अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर दी। उन्होंने सारा से एक ऐसी बात कही कि जिसको सुनने के बाद मुझे खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारा की अम्मी और आपका कोई रिलेशन है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हैरान नहीं हुए बाबा? मतलब ये कि आपने ये नहीं कहा कि आप सारा की अम्मी को पहले से नहीं जानते? ऐसी बात नहीं है, वो मेरी स्कूल की दोस्त है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो मेरा प्यार है। जानता हूं, सारा मुझे सब कुछ बता चुकी है। अच्छा, लगता है नीलो ने उसे सब बता दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि मुझे भी बहुत बाद में पता चला, और फिर इतना सब कुछ हो गया तो फिलहाल अभी तुम ये सब बातें भूल जाओ। हाँ, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अब क्या करूं, पहले नहीं बता सका। तो आप लोग सिर्फ दोस्त थे या फिर कोई और भी मामला था? तुमसे अभी तो कहा ना मैंने, हम अच्छे दोस्त थे। फिर आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था और वो यहीं रह गई। तो आपको जाना पड़ा? तो फिर आपके अमेरिका में अम्मी से मुलाकात हुई और आपने शादी कर ली? बिल्कुल। अम्मी ने बताया था कि आपको बहुत जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी थी उनसे। मतलब फिर आपने सारा की अम्मी से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि आपको मेरी अम्मी से शादी करनी थी? उफ, तुम भी कहां से कहां ले गए बात को। सारा तो बहुत उदास होगी असना की बातें सुनकर। मैं नहीं जानता कि सारा उदास थी या नहीं, असना ने बस ये बात बताई उसके बाद चली गई। वो बिल्कुल अपनी मां पर गई है। फिर क्या हुआ? मैंने उसको गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आता कि एहसन साहब ने इस औरत से शादी कर कैसे ली आखिर। कैसी बात कर रही हो सारा, वो खूबसूरत है। एक बात बताऊं, आदमियों को शौक होता है ऐसी खूबसूरत औरतों से शादी करने और उन्हें घर में सजाने का। मुझे लगता है कि असना एक बहुत ही बदतमीज औरत है। अरे सारा, क्या एहतियात किया करो, अगर दूसरों के सामने ऐसी बातें करोगी तो वो पता नहीं क्या समझेंगे। भूल जाओ सब कुछ। अम्मी उसके इरादे ही बुरे थे, किसी को तो बताना था ना कि उसकी औकात क्या है। उसने सुबह भी आके मुझसे ऐसे बदतमीजी की जैसे कि मैं उसके घर की नौकरानी हूँ कोई। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें उसको पता कहाँ से चलती हैं। अम्मी उसके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। क्या पता नाजली या ज़ैनब से सुना हो उसने। अच्छा, वो कहाँ मिल गई उसे? वो नाजली ने कुछ दिन उसके साथ काम किया है। सारा, क्या तुमसे कुछ कह सकती हूँ? आज मुझे बुके भेजा है किसी ने। कहाँ से? तुम्हारे बाबा ने। क्या? उसके कार्ड पर लिखा था आई मिस यू।
दादी जान को नाश्ते के लिए जगा दें क्या? मेरा ख्याल है अम्मी जान को अभी आराम करने दो, घर के मसलों ने उन्हें अभी थका दिया है, सोने दो उन्हें। दादी जान भी असना की हरकतों की वजह से थक चुकी हैं। वो असना है, उसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करना बहुत अच्छी तरह से आता है। बस अब असना का नाम यहाँ कोई नहीं लेगा, वो कहीं भी रहे हमसे दूर रहे बस यही काफी है। अब वो वापस तो नहीं आएगी ना बाबा? बस कल वो अपना बाकी का सामान लेने आएगी। एक्सक्यूज मी, जरा आता हूं मैं। क्या हुआ इसे? पता नहीं बाबा, मैं देख रही हूं कि कुछ दिनों से काफी परेशान है ये। इसरा बार बार कॉल मत करो तुम। क्या समझते हो क्या ये मसला दो दिन में हल हो सकता है? तुम खुद ही बताओ मैं ये बात कैसे कह दूं अपनी बेगम से कि मेरी एक बेटी है जिसका मुझे आज ही पता चला है। इसरा, मैं डीएनए टेस्ट देखे बगैर किसी बात का यकीन नहीं करूंगा, ना ही उससे मिलूंगा, समझे तुम? बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसे क्यों कह रहे हो? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी बीवी का सोचो। आप बताएं क्या करूंगा? हिम्मत मत हारो बेटा, हर चीज का हल निकल आएगा। हम बैठ के बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा जान, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इतने अरसे बाद परेशानियों से निजात मिली है, तुम बताओ क्या मैं खुश भी नहीं हो सकता? लगता है असना के जाने से सबसे ज्यादा खुशी बाबा को हो रही है। हाँ वो तो है, क्यों नहीं होगी। वैसे आज की सुबह मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, तैयार हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारा को स्कॉलरशिप मिल चुकी है और वो अमेरिका जा रही है और मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। हाँ? जहां तक मुझे याद है तुम तो वापस आ गए थे, तुम्हें वहां रहना पसंद नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त मेरे साथ सारा नहीं थी। सलीम, तुम वाकई सारा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बाबा मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी तरह रिलेशनशिप को खत्म कर दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि बाद में मैं पछताना नहीं चाहता। सारा को पता है तुम उसके साथ जाना चाहते हो? नहीं, मगर मैं बता दूंगा उसे। ठीक है, मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं आप लोगों से। See you soon. शिफ्टिंग हो गई? हाँ खत्म, सब खत्म हो गया।
मेरी उंगलियां अभी तक दुख रही हैं। काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता, वो गले से लगाता, मैं अपने सारे दुख भूल जाती। लेकिन मुझे देखो, कोई नहीं है। अरे बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, एक बिल्ली तक नहीं है। हाँ, हमारे मोहल्ले में इतनी सारी जंगली बिल्लियां हैं, किसी को भी घर ले जाओ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। मैं बस इकलौती होंगी जो अपने बॉयफ्रेंड को कुत्ता बिल्ली बना देती हूँ। अब तो वैलेंटाइंस डे पे भी कोई बिल्ली आके मुझे आई लव यू कहेगी। क्या पता अगले साल तुम भी किसी लड़के के साथ वैलेंटाइंस डे मना रही हो। कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। अगर आंटी मैं इतनी परेशान हूँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो हमेशा अच्छा सोचो। पर क्या? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हें सताने वाला कोई हो? अगर कोई डराने वाला तुम्हारी जिंदगी में होता, जिसके खौफ में तुम हमेशा रहती। बेटा हमेशा याद रखना, सुकून से बड़ी जिंदगी में कोई चीज नहीं है। मेरा तो यही ख्याल है। अगर तुम्हें लाल गुलाब चाहिए तो खुद खरीदो, किसी दूसरे का इंतजार मत करो कि वो आकर तुम्हें लाल गुलाब दे। अरे आंटी आप तो बिल्कुल किताबी बातें कर रही हैं। हाँ अम्मी, आप तो बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं आज। मैं हमेशा अच्छे मूड में होती हूँ, लेकिन बच्चों का नहीं पता होता। आप मुझे ताना मार रही हैं मिस नीलकन। सलीम आ गया है, तुम चल रही हो? हाँ तो चले आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा। सारा जाते हुए ये बारबरूस को देती जाना, उसका स्वेटर फट गया था, वो कल देके गया था मुझे सीने के लिए। ठीक है। सलीम, मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ था या नहीं? ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, भूल जाओ उसे। नहीं नहीं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। मैं तो बस यही पूछने आया था कि मेरे एक्सीडेंट में किस किस का हाथ था। मिल गया मुझे जवाब। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरा तुम्हारे एक्सीडेंट में बिल्कुल भी हाथ नहीं था, समझे? क्या कह सकते हैं, खैर भूल जाओ यार इस सबको। लेकिन एक मिनट, असना आई थी कल यहां पर। यहां पर आई थी? हाँ, सारा की अम्मी के पास आई थी। मुझे रास्ते में रोककर अजीबोगरीब बातें कर रही थी मुझसे, नीलकंठ आंटी के बारे में बकवास करे जा रही थी। तुम नहीं जानते ये एक मक्कार औरत है, अब नहीं पता कि इसका अगला टारगेट क्या हो। सलीम देखो, ये सब इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर होगा कि तुम असना को यहां से दूर रखो। बुराक, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो यास्मीन? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। मुझे ये बाबर को देना है। ठीक है, फिर चलते हैं। चलो ठीक है। अबे रुक जा यार, अंडा घोटाला खा के जा। नहीं भाई, आपका शुक्रिया। बेटा याद रखियो, बाबर किसी किसी को ऑफर करता है। ये लो भाई। हाँ भाई आशिक, महबूबा के लिए कुछ किया? नहीं भाई, नहीं उठा रही, टेलीफोन तो नहीं उठा रही, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तुम तो ऐसी बात ना करो, मुझे प्यार है उससे। देखो तो जरा कितने अच्छे गुलाब है वो।
ये एक नंबर का गधा है, कुछ नहीं समझता ये। उस लड़की के लिए फूल लेके जाओ, उसको मनाओ, माफी मांगो, अकल नहीं है क्या तुम्हें? मुझे ये करना ही होगा भाभी। हाँ भाई शानी, क्या तेरे लिए कभी कोई फूल वूल लाया है? बता तो ऐसे नहीं थी जैसे बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं यार, मैं कहाँ फूल कहाँ, मुझे तो फूल वाला देख के भी डर जाता है यार। इधर वॉशरूम जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ ओनर, लेकिन तुम ये सब नील को समझा पाओगे क्या? यही तो मैं सोच रहा हूं। मैं बहुत बेबस हूं इस वक्त। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रिश्ता नील के मिलने से पहले ही हुआ था, है ना? ऐसे ही है ना बेटा? नहीं, दरअसल बात कुछ और है। तो फिर? शादी से कुछ अर्से पहले की बात है, मेरा और नील का ब्रेकअप हो गया था। उस वक्त एहसन साहब ने मुझे अपनी बेटी के काबिल नहीं समझा था। हाँ, मैं अब समझी हूँ। नाजुक मसला है, समझ गई। मतलब ये सब तब हुआ जब तुम्हारा और नील का रिश्ता कुछ मसलों में आ गया था, सही हूँ ना मैं? जी सही कहा आपने, मैं गम से पागल हो गया था, वो मेरा एक बुरा वक्त था। समझ गई मैं। उस वक्त का नतीजा आ जाने वाला है, अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो। इसका मतलब तुम उस बच्ची के बाप बनोगे? जी। देखो बेटा, तुम नील को बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तुम जो कुछ भी हुआ है उसे बता दो। नील का यह जानना बहुत जरूरी है। अगर उसे किसी और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी नील बिल्कुल भी उदास हो। मैं अपने बच्चों में किसी की भी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब तुम जाओ और उसे जाके सब कुछ बता दो, ठीक है? बिल्कुल सही। हाँ इसरा, रिपोर्ट क्या आई? समझ रहा हूं। ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूं बहुत जल्द। ओह, तो इसका मतलब तुम ही उसके बाप हो? कैसे हो बाबर? ओहो, खुश आमदीद मेरे भाई। शुक्रिया। ये क्या, तुम फूल भी बेचने लग गए हो? अरे नहीं यार, ये मेरे अपने नहीं है, ये अम्मी ने भेजा है। हाँ, अपनी अम्मी से कहना बहुत शुक्रिया, उनके हाथ में जादू है। ओहो, कपल ऑफ द ईयर को तो देखो जरा। ये क्या है? हमने बाबर से इसके बारे में पूछा था लेकिन इसने बताया नहीं। बाबर? हाँ, मैंने सुना था कोई वैलेंटाइन्स डे भी होता है। हाँ, लेकिन शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि अब वो खत्म हो चुका है। तेरे लिए लाया हूँ मेरी जान, तेरे लिए।
आज इन फूलों को देखकर तुझे यकीन हो जाना चाहिए कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ओ बाबर, शुक्रिया तुम्हारा। अब हमें चलना चाहिए। चलो, लगता है मजनू को लैला का प्यार मिल गया। आज मिलोगी ना? जरूर, क्यों नहीं। तो मैं निकलता हूँ, तुम आ जाओ जल्दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। नीलो। हाँ बोलो। बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई। अपनी खुशी अभी दबा कर रखो, चलो मिलते हैं। तुमने बाबर को देखा? वो नाजली के लिए पूरा बुके लेके आया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, खुशी से लाल हो रहा था वो, है ना? बेचारा हमारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो बाहर से सख्त दिखता है उसका दिल बहुत अच्छा होता है। अरे वाह, क्या बात है, सही कहा उन्होंने। मुझे लगता है सब सरप्राइज हो गए होंगे। बाबर ने कम से कम उसे फूल तो दिए। मुझे देखो, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत थे वो। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट था वो सलीम। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेते। तुम जॉब से कब फ्री होगी? लेट हो जाऊंगी। जब तुम फ्री हो जाओगी तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? ठीक है, चलो। क्या तुम आज वर्कआउट करने के लिए आओगे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए आज मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पिक करने जरूर आऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कितना अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। ये बात कहां से आ गई? मैं ये कहना चाहती थी, फिर मिलते हैं। See you soon. कैसी हो? ठीक हूँ। माजरा चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। परेशान मत हो, इसे सब मालूम है, तुम बस सुकून से बैठो। माया बेटा, देखो कौन आया है। हेलो माया, कैसी हो आप? हमारी क्या बात हुई थी मेरी गुड़िया? हेलो, मेरा घर लंदन में है और मेरे वहां पर बहुत सारे दोस्त हैं। सुना है यूके में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जी बिल्कुल, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ और अपने बाबा को भी। मम्मा ने मुझे बताया है कि आप मेरे बाबा हैं, लेकिन आप मेरे बाबा नहीं हैं। मैं जानती हूँ मम्मा ने झूठ बोला है। माया, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ऑनर, मैं चाहती हूँ पहले तुम इस बारे में ठीक से सोच लो। मैं माया को होटल छोड़ के आती हूँ, फिर थोड़ी देर इस बारे में बैठकर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है।